मेजबान भारत अपने अभियान की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले से करेगा। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला 8 अक्टूबर को चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच इस मुकाबले में कांटे की टक्कर होने की उम्मीद की जा रही है। जहां ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, वहीं भारत 2 बार वर्ल्ड टाइटल जीत चुका है। अब ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या भारतीय टीम चेन्नई में अपना पहला मुकाबला जीत पाएगी और क्या होगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच में चेन्नई स्टेडियम का मिजाज, सब कुछ आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले क्या टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मुकाबले में जीत दर्ज कर पाएगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखा जाए तो चेन्नई के मैदान पर भारतीय टीम ने कुल मिलाकर 14 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इस दौरान उसे 7 मैचों में जीत और 6 में हार मिली, जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा। चेपॉक की पिच आमतौर पर स्पिनरों की मददगार मानी जाती है और काफी टर्न देखने को मिलता है। भारतीय टीम में रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, कुलदीप यादव जैसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास एडम जाम्पा, एश्टन एगर और ग्लेन मैक्सवेल हैं। दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज भी हैं, जो मिनटों में गेम का पासा पलट सकते हैं। इस हाई वोल्टेज गेम में जो टीम दबाव के क्षणों में निखर कर सामने आ, वो जरूर विजयी होगी। बात करें भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच की, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चेन्नई में अब तक 3 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें कंगारू टीम को 2 और भारत को 1 मुकाबले में जीत हासिल हुई। ओवरऑल वर्ल्ड कप में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 12 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत सिर्फ 4 मैच जीत पाया है। यानी आंकड़ों में ऑस्ट्रेलियाई टीम का पलड़ा काफी भारी दिख रहा है। तो दोस्तों, यह थी भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच की पिच रिपोर्ट और ओवरऑल रिकॉर्ड। अब ऐसे में अगर आप भी टीम इंडिया से जुड़ी हुई हर खबर, हर अपडेट पाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन की लिंक से हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें।